हेलो फ्रेंड्स, मांझी प्रो किचन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मुंबई का स्पेशल मसाला पाव पुलाव। ये मुंबई की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 2 टीस्पून ऑयल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप बारीक चॉप प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेना है। प्याज अच्छे से भून गई है, अब इसमें हम डालेंगे बारीक चॉप शिमला मिर्च 1/2 कप। इसे भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिला लेते हैं। 1/2 कप बारीक चॉप टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून पाव भाजी मसाला, इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप पनीर ग्रेट किया हुआ। आप इसमें मशरूम वगैरह आप जो भी डालना चाहो डाल सकते हो। इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून रेड चिली सॉस। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा टमाटो केचप। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नई नई रेसिपी के लिए बेल आइकन जरूर दबाएँ। 1/4 कप पानी डालना है। इसमें हल्का सा बॉयल आने के बाद में अब हम इसे मैश कर देते हैं। बॉयल आ गया इसमें, इस मैशर से मैश कर देते हैं जिससे कि सारी सब्जी अच्छे से मिल जाए। हमारा मसाला बन के तैयार हो गया। अब इसमें हम डालेंगे पाव। हमने 2 पाव को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, आप अपने अनुसार काट लें इसको। और अब हम इसमें डालेंगे, अब इन्हें मिक्स कर देते हैं। बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है ये। इसमें पनीर डाले हैं तो प्रोटीन भी अच्छे से है, और ये मुंबई का मसाला पाव बेस्ट ब्रेकफास्ट है। अब इसमें हम बारीक चॉप धनिया पत्ती डाल रहे हैं काट के। मसाला पाव बनके तैयार हो गए, अब हम इसे सर्व करते हैं। आपको मसाला पाव पुलाव या मसाला पाव उपमा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।